नगर निकाय चुनावों के परिणाम आज घोषित हो चुके हैं। उसके बाद में अशोक गहलोत का कहना है कि हमने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और जो भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था वो अधूरा रह गया है। ये जनता है जो कि नाप तोल कर वोट देती है, ये जनता अपना अच्छा और बुरा भी सोच सकती है, ये कहना था अशोक गहलोत का। और उसके बाद में जिस तरीके से आज कांग्रेस ने सभी जगह पर अच्छी बढ़त बनाकर सभी जगह पर अपनी जीत काबिज की है और दबदबा वापस से काबिज करती हुई कांग्रेस सरकार नजर आ रही है, उसने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा जो बड़बोलापन कर रही है उसका ये नतीजा है। उसके बाद में उन्होंने JNU और भी कई मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे। क्या कुछ अशोक गहलोत ने नगर निकाय चुनाव के परिणाम के बाद में कहा, आइए आपको दिखाते हैं। धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमें पूरा विश्वास था कि इस बार मतदाता हमारे पक्ष में मतदान करेंगे, वही हुआ जो मुझे उम्मीद थी, तो उम्मीद के अनुसार ही परिणाम आए ये मैं कह सकता हूँ। लगता था कि पब्लिक का मूड हमारे पक्ष में है और पब्लिक का विश्वास हम लोगों पे है। जब से गवर्नमेंट बनी तब से जो हमने मैसेज दिए हैं, जो काम किए हैं, जो बजट पेश किया है, घोषणा की है, वो मैं समझता हूँ अपने आप में पब्लिक में लगता है कुछ करना चाहते हैं हम लोग, और करके दिखाएं करके दिखाएंगे हम लोग। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जमके काम किया, जो जिम्मेवारी को दी गई उस रूप में काम किया। हमारे जो मंत्रिमंडल के साथी थे, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी थे, यही उम्मीद ही थी, अपेक्षा यही थी, उसके अनुकूल ही आते दिख रहे हैं और 2 घंटे बाद तक सब मालूम पड़ जाएगा। बहुत ये प्रसन्नता की बात है कि जनता ने मैंडेट दिया है सोच करके कि सरकार जिस रूप में परफॉर्म कर रही है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो समस्याएं शहर की भी है उसको प्रायोरिटी हल करें, और जनता ने विश्वास प्रकट किया है, उनकी अपेक्षा तो आशा के अनुरूप काम करी सरकार। सरकार के कामकाज पर मोहर माना जाएगा इन नतीजों को? ये जनता बहुत समझदार है, वो तमाम फैक्टर साथ रखती है, देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या संदेश देना है केंद्र को भी राज्य को भी, तो अवश्य कॉमन सेंस जनता का, अकल होशियारी में जनता बहुत समझदार है, इसलिए वो नाप तोल करके वोट देती है। जैसे महाराष्ट्र में हरियाणा में दिया, वैसे ही है राजस्थान में दे रही है। तो मैं जनता को आह्वान करना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे काम करने में। सर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के छात्र इंदिरा गांधी का योगदान ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी जो एक महिला होकर के इस देश की महिलाओं का मान सम्मान पूरी दुनिया में ऊंचा किया था। आज उनकी जन्म जयंती है, उनको हम लोग इस रूप में याद करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति की बात हो उसमें वो कामयाब रही। आज देश आत्मनिर्भर है, पहले हमें PA 480 के अंतर्गत गेहूँ मंगाने पड़ते थे बीक के रूप में अमेरिका से। इंदिरा गांधी जी ने जिस रूप में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, और 93,000 पाकिस्तान के जो कर्नल जनरल मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए और बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिए, वो इंदिरा गांधी थी जिसके लिए वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था लोकसभा के अंदर, इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है। वो इंदिरा गांधी की आज जन्म जयंती है। मैं चाहूँगा कि मुल्क की परंपरा जो महान रही है, आज जो वर्तमान में हालात है देश के, उसमें हम लोग केंद्र में देखते हैं कि NDA गवर्नमेंट के वक्त में विशेष रूप से पिछली जो हमारी विरासत है आज़ादी के पहले की बाद की, उनको भुला करके राजनीति करना चाहते हैं हम, वो अच्छी परंपरा नहीं है। अगर इतिहास में हम लोग उन महापुरुषों को याद नहीं करेंगे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे सरदार पटेल थे,
चाहे वो मौलाना अबू कलाम आजाद थे, अम्बेडकर थे, या इंदिरा गांधी ऐसी मान नेता थी, राजीव गांधी थे, अगर हम उनको याद नहीं करेंगे और जानबूझ करके उनको इग्नोर करेंगे, जो आज के नेता लोग कर रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट के नेता लोग कर रहे हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम के लोग, ये परंपराएं अच्छी परंपरा नहीं है, देश हित में नहीं है, नई पीढ़ी को गुमराह करेंगे, उससे देश को नुकसान होगा, मेरा मानना है। इसलिए मैं चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि अपना जो सोच है उसको चेंज करें और जो योगदान जिसका था, जिस रूप में था, उस रूप में उसको बताएं देश को, और विशेष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से जो षड्यंत्र करके जो गुमराह किया जा रहा है नई पीढ़ी को, इन नेताओं को भ्रम है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से इन तमाम हस्तियों को मिटा देंगे, ये इनको बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत का भ्रम था, वो भ्रम टूट गया इनका, जो राज्यों में चुनाव हुए, राज्यों में, चाहे वो कर्नाटक में हुए हो, चाहे गुजरात में हुए हो, उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हुए हो, तब इनका भ्रम टूट गया कि ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होने वाला है। और मैंने पहले ही कहा था, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे वो खुद मुक्त हो जाएंगे, ये भावना मैंने कहा था, वही हालात धीरे धीरे बनते जा रहे देश के अंदर। सर, सर जेएनयू में जो छात्र हैं उन पर रात को लाठीचार्ज किया गया, वो अपनी डिमांड्स को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, किस रूप में देखते हैं आप जेएनयू को लेकर, जिस तरह से एक वर्ग विशेष है वो उसके खिलाफ? ये तो पीछे पड़े हुए जेएनयू के, इनको जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो है, जब गुमराह करने का काम सोशल मीडिया में कर सकते हैं बहुत निम्न स्तर पर जा कर के, तो ये आप सोच सकते हो कि जहाँ जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा वहाँ इनका इनका इनकी बीपी बढ़ जाती है, उस रूप में लोग फिर एक्ट करते हैं, इस रूप में लोग गुमराह करते हैं। मैं समझता हूँ ये परंपरा अच्छी नहीं है।